फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। तुहाडे लई वड्डी खबर लैके हाजिर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर तो वड्डी खबर आ रही है, दुखदाई खबर आ रही है। वड्डा हादसा हुण टल गया है, जहाज़ की क्रैश लैंडिंग करवानी पै गई है। जहाज़ है जिहड़ा करोना वैक्सीन अलग अलग शहरों च मुहैया करवा रहा है, तो इसकी क्रैश लैंडिंग है जी अचानक करवानी पै गई है। मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट जहाज़ की ग्वालियर क्रैश लैंडिंग हुई है। ये जहाज़ रेमडिसिविर टीके लैके आ रहा है। दसिया जा रहा है कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करते समय जहाज़ तिलक गया तो हादसा वापर गया। राहत वाली गल है कि हादसे में दोवें पायलट सुरक्षित हैं, उन्होंने ममूली सट्टा लगिया हैं। तुहानू दस दी कि करोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार का स्टेट जहाज़ करोना वैक्सीन टीके लैके ग्वालियर आ रहा है, पर वीरवार रात को ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय जहाज़ तिलकन कारण उसकी क्रैश लैंडिंग करवानी पी। हालांकि जहाज़ के मौजूद दोवें पायलट सुरक्षित हैं। कैप्टन सैयद मजीद अख्तर ते उसके साथी पायलट शिव शंकर जायसवाल को ममूली सट्टा लगिया हैं। दोवें पायलटों का चैकअप जयरोग्या हस्पताल किया गया। राहत वाली गल यह भी है कि क्रैश लैंडिंग दौरान सारे टीके भी सुरक्षित हैं, उन्होंने कोई नुकसान नहीं होया। CSP महाराजपुरा रवि भदौरिया ने फोन पर इस खबर की पुष्टि करदिया दसिया है कि सारे टीके सुरक्षित हैं। हालांकि एक कर्मचारी जो करोना वैक्सीन टीके लैनी हवाई अड्डे तया सी ममूली रूप से जख्मी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे में करोना वैक्सीन टीकों की चल रही घाट को पूरा करन अते जिन्नी जल्दी हो सके COVID-19 मरीजों को टीका मुहैया करवाने लई जहाज़ को सेवा से लगाया सी। इस दौरान उसकी क्रैश लैंडिंग है जी करवानी पै गई क्योंकि जहाज़ है जिहड़ा एयरपोर्ट पर तिलक गया सी। तां दोस्तों वड्डी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर तो आ रही है। यहो जी होर वड्डियां खबरां लई चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करना ना भुलो। जल्दी मिलांगे नवीं ते ताज़ा खबर के नाल। तद तक लई सत श्री अकाल।